भयानक हादसे में आंचल से बिछड़ा, लौट आया मां के कलेजे का टुकड़ा। माँ बाप को देखकर बेचैन और बेहाल, पुनर्जन्म लेकर आया माटी का लाल। नियति का बदल कर विधान, बेटा लौटाने आया माँ की मुस्कान। सूनी पड़ी थी घर की दरो और दीवार, बेटे ने जीवन को फिर कर दिया गुलजार। वही पसंद, वही कुंडली, वही आते, छोटे भाई के रूप में लौटा शहीद बेटा। भारतीय सेना का वो जांबाज जवान जो शहीद होकर भी मां से जुदा नहीं हो पाया। मां ने पूरी की बेटी की आखिरी ख्वाहिश और फिर हो गया सबसे बड़ा चमत्कार। जन्म और मृत्यु जीवन के यही दो छोर हैं। जन्म जीवन का आगाज है तो मृत्यु अंजाम। जीवन का यह चक्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। नियति का यही विधान है, जो जन्म लेकर इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन वापस जाना ही होगा, और जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। मगर इस हकीकत का एक और पहलू भी है। कहते हैं कि अगर इंसान की कोई दिली तमन्ना या कोई बेहद जरूरी काम वो जीते जी ना कर पाए या ना हो पाए, तो इंसान उसे पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेकर वापस लौट आता है। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू दर्शन में कहा भी जाता है। जिस इंसान का पुनर्जन्म होता है वो अपने पिछले जन्म की यादों में खोया रहता है। कहते हैं बहुत वक्त तक उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। कुछ हैं जो भूल भी जाते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि कम उम्र में बच्चों को सब कुछ याद रहता है और जिंदगी को फिर वापस वो बच्चा उसी मुकाम पर लाने की कोशिश में जुट जाता है जहां पिछले जन्म में जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी पुनर्जन्म के किस्से कहानियां जरूर सुने होंगे। पुनर्जन्म की कहानियों पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक सच्ची और रहस्यमयी दास्तान बताने वाले हैं। ये इंडियन आर्मी के एक ऐसे जांबाज की कहानी है जो शहीद होकर भी अपनी मां से जुदा नहीं हो पाया। तो कैसे वो शहीद बेटा दूसरा जन्म लेकर फिर से घर लौट आया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिसे मां ने बड़े नाजों से पाला हो, जिसे हमेशा सीने से लगा कर रखा हो, जिसके जीवन पर मां ने कभी संकट का साया भी न पड़ने दिया हो, वो लाडला बेटा अगर अचानक से माँ बाप से हमेशा के लिए दूर चला जाए तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ के लिए जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव होता है कलेजे के टुकड़े का उससे जुदा हो जाना। जब माँ की गोद सूनी होती है तो आंसुओं का सैलाब बह उठता है। ऐसे ही दुख भरी कहानी मेरठ की इस माँ की है, जिन्होंने जी जान लगाकर अपने जिगर के टुकड़े को देश की सेवा के लिए सेना में भेजा था, लेकिन एक हादसे ने इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। इनके बेटे लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी 16 जुलाई 2020 को अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी की जो कहानी है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। अगर आकाश को याद करते हैं तो रो उठते हैं, चाहे आकाश के माँ बाप क्यों ना हो या फिर आकाश के रिश्तेदार या उसके दोस्त क्यों ना हो। आकाश का गम तो हर कोई बांट रहा है, आकाश वापसी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है। यहाँ आकाश वापसी आया और तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जो है आकाश वापसी आया, और किस तरीके से वापसी आया वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है आकाश की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जब आकाश छोटे थे तब की उनकी ये तस्वीर है, बहुत नाजों से उनकी जो है तस्वीर संभाल के रखी है। उनके माँ बाप ने बहुत प्यार किया करते थे, उनकी तस्वीर को यहाँ पर संभाल के रखा है। लेकिन आकाश की जो वापसी हुई है वो मानिक के रूप में वापसी हुई है। 1.5 साल का मानिक, आकाश के हूबहू दिखने वाला ये मानिक, और सिर्फ हूबहू ही नहीं बल्कि हरकतें भी और खेलने का तरीका भी, यहाँ तक कि पसंद भी हूबहू आकाश जैसी है। अब क्या ये कहानी है, कैसे आकाश वापस लौटा, कैसे मानिक आकाश के रूप में आया, उसके बारे में हम जानते हैं। आंटी, आकाश के बारे में तो आपने बता ही दिया कि कितना आप प्यार उससे करते थे और कैसे वो देश की सेवा के लिए उठ गया, लेकिन उसके बाद की कहानी जो है मानिक का आना,
और दोबारा से आपका ये कहना कि आकाश लौट आया, वो कैसे? वो बेटा ऐसे हुआ, उस टाइम तो हम थे नहीं किसी लायक में, मैं डिप्रेशन में आ गई थी असल में। मैं फिर 11 दिन में कैलाशियम भरती रही, तो डॉक्टर ने कहा कि ना किसी बच्चे के पास छोड़ दो, क्योंकि हमने बेटी भेज दी थी, वो वहाँ हॉस्टल में रोती थी हमारी छोटी बेटी जो है, तो वहाँ से फ़ोन आते थे इन्हें, नहीं तो ये डिप्रेशन में इतनी आ जाएंगे कि घर बर्बाद हो जाएगा। फिर हमने डिसीजन लिया कि कुछ सामान तो हमारा यहाँ पड़ा रहा, कुछ सामान हम लखनऊ ले गए उठाकर। डॉक्टर ने कहा कि जो है मतलब अलग माहौल मिलेगा, अलग आदमी मिलेंगे और हर चीज़ अलग रहेंगी, तो थोड़ा हो सके संभल जाए। और जैसे इनकी मैं टेस्ट हैं लिए मतलब हुई है उस टाइम मेरे, ये सब नॉर्मल है, इनके कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप निकलना चाहो इस सदमे से तो भगवान, मेरा ये मानना है, हर कोई यही कहता था कि आकाश वापस आएगा, हर कोई, आर्मी के बंदे भी यही कहते थे आकाश वापस आएगा। हाँ, बस एक बार उन्हें खड़ा कर लो, मैं उनको खड़ा कर लो, मैं बच मुश्किल बचना है उनका। अब जैसे हम वहाँ गए तो हमें अलग माहौल मिला थोड़ा, क्यों यहाँ का माहौल अलग हो जाता है उस टाइम, और वहाँ उन लोगों ने भी हमें बहुत संभाला है हर लखनऊ में भी। तो धीरे धीरे जैसा तबीयत खराब थी, मैं दवाई खाती थी, अपना सब काम करती थी, तो वहाँ भी मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टर कहते थे कि नहीं सब कोई दिक्कत नहीं, मेरा ये मानना है हमारा कि आपका बच्चा आएगा। फिर मैं कुछ दिन के लिए घर बनने लगा, एक साल तक तो कुछ हमारे यहाँ होता नहीं, उसके बाद ही हुआ। तो एक छोटा सा इसमें ऐसे ही कुछ नहीं था, हमन करवाया था हमने, उस टाइम का है ये, यही कहीं। तो ये मानिक बेटा है आपका? हाँ बेटा है मेरा। कितने साल का हो गया? ये 1.5 साल का हो गया। हाँ, खुशियाँ वापस लौट के आई हैं मानिक? खुशियाँ तो हम बता नहीं सकते, आकाश का गम तो नहीं भूलेंगे ना, उसको भूलेंगे, लेकिन खुशियाँ मैं ही कहती हूँ, अगर हर कोई और कोई इस लायक है कामयाब, तो हर कोई अपने घर में खुशियाँ ला सकता है। ये देश है आप। कैसे पलेगा, हाँ कैसे पलेगा, क्या पलेगा, वो भी सब भगवान पे छोड़ दो। और जिस टाइम ये हुआ था, ये बहुत ही कमज़ोर था, बस समझो निशान निशान से थे, बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर ने भी ये कहा था कि कैसे पालोगे, उन्होंने जब ला के 7 दिन बाद मुझे दिया था, ये पूरे टाइम नहीं होते हैं बेटे मेरे, कम टाइम होते हैं, तो ला के कहा था लो अपने आकाश को, आकाश आ गया, अब रोगी नहीं। और जिन मूलों में मेरा बेटा आकाश पैदा हुआ, तो उन्हीं मूलों में ये पैदा हुआ है। हाँ, उन्हीं मूलों में पैदा हुआ। और क्या क्या समानता है, और क्या क्या पसंद? अच्छा, इसको पसंद आलू का पराठा बहुत पसंद, जो वो खाता था वही, आकाश को जो पसंद था वही पसंद, वो पूरी मतलब ठंडी भी हो जाती थी, उनको भी बहुत पसंद थी, चाय के साथ खाता था, तो इसको भी वही पसंद है। राजमा चावल वैसे नहीं खा पाते, तो मैं ग्राइंडर से करती हूँ, चम्मच से खिलाती हूँ, तो वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मट्ठा दही बहुत पसंद है, मट्ठा तो अभी दही तो मैंने अभी से भी कर रखी इसकी, चाय शुरू से ही, यही सब आकाश को पसंद थी, तो चाय दे दो ना, चाय बहुत पसंद है, कितने दिन तक मैंने सुबह सुबह चाय मांगी हमारे पास। शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का परिवार मेरठ के कंकरखेड़ा की सिल्वर कॉलोनी में रहता है। साल 2020 में आकाश SSB क्लियर करने के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अफसर बने थे। 7 मार्च 2020 को वो ट्रेनिंग करके अपने घर लौटे। 27 मई को आकाश की तैनाती असम की घाटियों में की गई, लेकिन 16 जुलाई 2020 को गश्त करने के दौरान पैर फिसलने से आकाश चौधरी गहरी खाई में गिर गए। आकाश के घर पर फोन आया कि इनका बेटा एक दुखद हादसे में शहीद हो गया है। ये फोन कॉल सुनते ही आकाश के परिवार को गहरा सदमा लगा और उनके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। 1.5 महीने की सर्विस थी, जब उसको हम छोड़कर चले वहां से, तब भी वो जब अंदर जाते हैं ना, ये इतनी दूरी पर खड़े, मैं ऐसे खड़ी और जोर तो पड़ ही रहा था, तो वो अंदर एक पैर अंदर एक बाहर, सामान बक्स अंदर जा लिया उसका, तो वहाँ से दौड़ का आया एकदम, अरे मेरी मम्मी कैसे रहोगी, कोड़ी भरे रखी मतलब 5-10 मिनट करीब, ये भी खड़े देखते रहे, मैं भी खड़ी देखती रही। मैंने कहा बेटा आकाश आज क्या हो गया, बेटे मत जा आकाश, आज भी मैं तुझे कमी नहीं रहेगी, मैं कहा तू मत जा बेटा, नहीं मम्मी जाना तो पड़ेगा,
फोन आया और लड़का एक फोन नंबर लेन भेजा उन्होंने यहाँ कैंट से कि भाई शिव साहब ने नंबर मंगाया आप अंकल वो दे दीजिए। मैं भी कहती रह गई बेटा चोट लग गई आकाश का फोन खो गया क्या बात है बताया नहीं लड़का चुप था बेचारा नहीं शिव साहब ने मंगाया नंबर दे दिया थोड़ी देर बाद तो फिर पता ही आ गया था फिर 18 में भी हमारे पास ले आए थे। बेटे आकाश चौधरी की शहादत की खबर वो हर दिन कहता था पापा मम्मी बताओ कब लाओगे एक ले आओ बस 1.5 साल होके रहो दो मैं दे दूंगा करके वो 1.5 साल में बता शादी होती क्या देता मैं क्या करता भाई 1.5 साल में तो शादी भी मुश्किल ही हो पाती 1.5 साल होके रहो दो मैं दे दूंगा करके या वो हमें नु समझा रहा 1.5 साल में मैं ही दोबारा आ जाऊँ हम समझ नहीं पाए तो जो है एक ले आओ मम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी पापा एक ले आओ जैसे हमें लाए मुझे हमें लाए थे तीनों को ऐसे ही हमने मैंने कहा अच्छा हम बुढ़ापे में और लाएंगे अब तो हम तेरे बच्चों को खिलाएंगे तो कह रहा नहीं मम्मी मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई अभी तो एक लाओगी। शहीद आकाश चौधरी के माँ बाप ने बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद एक बेटे को जन्म दिया। सालों बाद घर में फिर से किलकारियां गूंजी तो माँ बाप के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। अतीत की बुरी यादों को भुलाकर धीरे धीरे ये परिवार अपने बेटे की परवरिश में जुट गया। बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके हाव भाव माता पिता को चौंकाने वाले लगे। ये बेटा अपने आप में एक रहस्य पैदा करने लगा। रहस्य इसलिए क्योंकि छोटे बेटे माणिक की सभी आदतें अपने बड़े भाई आकाश से हूबहू मिलती हैं। खेल खिलौने से लेकर खाने की चीजों तक 3 साल के माड़ी को वो सब कुछ पसंद है जिन चीजों को कभी आकाश पसंद किया करता था। शहीद आकाश चौधरी के परिवार का मानना है कि आकाश ही पुनर्जन्म लेकर उनकी गोद में वापस आ गया है। 3 साल के माड़ी चौधरी की सभी आदतें हूबहू बड़े भाई आकाश से मिलती है। माड़ी को वैसे ही खिलौने पसंद है जैसे कभी आकाश को हुआ करते थे। माड़ी को वही चीजें करना पसंद है जो बचपन में आकाश किया करता था। माड़ी को वही चीजें खाना पसंद है जो कभी आकाश की फेवरेट हुआ करती थी। यही नहीं माड़ी का जन्म उसी ग्रह नक्षत्र में हुआ है जिस नक्षत्र में आकाश का जन्म हुआ था। कुंडली से लेकर व्यवहार तक पसंद नापसंद से लेकर हाव भाव तक आँखों से लेकर चेहरे की मुस्कान तक माड़ी का सब कुछ हूबहू अपने बड़े भाई आकाश चौधरी से मिलता है। शायद यही वजह है कि शहीद आकाश चौधरी के परिजन मानते हैं कि शहीद हो चुका बड़ा बेटा आकाश माणिक के रूप में पुनर्जन्म लेकर घर आया है। अब ये सब समय का खेल है किसी के बस की बात तो नहीं है। भगवान ऊपर वाला जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है जो भी उसको करना है। हमारी मर्जी तो उसके आगे नहीं चलती है कुछ भी। तो फिर भी अपने परिवार को उसके लिए जो है इन सब को सांत्वना दे कर बड़ी मुश्किल से हमने शांत किया है क्योंकि इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। अब फिर काफ़ी टाइम लग गया हमको सही ठीक होने में और उसके बाद हमने जो है प्रयास किया तो हमारे जो है छोटा बच्चा बेटा पैदा हो गया। वो सब हमने यादें उसकी सब संजो कर रखी देखते रहते हैं हम। हर त्योहार पे हर चीज पे याद आता हूँ। याद तो आता ही है याद तो आएगा ही हमेशा आएगा। शहीद आकाश चौधरी बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। उन्हें पढ़ने लिखने के अलावा स्पोर्ट्स और पेंटिंग का भी बड़ा शौक था। आकाश ने कई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भाग लिया। जब वो घर पर फ्री हुआ करते थे तो अपने हाथ से स्केचिंग करते थे पेंटिंग्स बनाया करते थे। आकाश के जाने के बाद उनके परिवार ने आकाश की सारी यादों को घर में संजो कर रखा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम उस कमरे में भी पहुंची जहां शीशे की अलमारी में आकाश की एक एक यादें सजी हुई हैं। इफ आई डाई इन द वॉर टेल माय मदर नॉट टू क्राई बिकॉज आई एम अ सोल्जर आई एम बॉर्न टू डाई। ये वो एक नोटिस लिखा हुआ है जो कि लेफ्टिनेंट शहीद आकाश चौधरी के द्वारा लिखा गया है और नीचे लिखा गया है अंतिम पग। लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी को इस तरीके से लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने एक एक छोटी सी लाइन तो यहाँ पे ज़रूर लिखी है कि वो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं क्योंकि वो एक सोल्जर हैं। ये एक मैसेज उनकी माँ तक पहुँचा देना। लेकिन किसको पता था कि जो 17 जुलाई की वो रात है ये मैसेज वो 17 जुलाई की रात सच कर देगी।
एक बड़ा हादसा, और उस हादसे में सभी ने आकाश को खो दिया। एक ये आकाश की याद में यहाँ पे जो है उनके माँ बाप ने वॉल सजाई हुई है आकाश की। यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीर है, लेफ्टिनेंट रहे हैं आकाश, और 26 मई को वो यहाँ घर से अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे, और 17 जुलाई की रात खबर आई कि अब आकाश इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए। उनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है, इस पूरी रैक को यहाँ पे आकाश के सामान से ही रखा गया है। एक तरफ यहाँ पे आकाश की जो है फोटोज का कोलाज है, वो किस तरीके से अपने बैचमेट्स के साथ मस्ती किया करते थे, और स्पोर्ट्स में भी आकाश अव्वल रहे हैं, वर्दी में उनकी तस्वीर है, अपने बैचमेट्स के साथ उनकी तस्वीर है, एक खुश मिजाज शख्स जो कि भारतीय सेना में भर्ती हुआ और अपनी सेवा देते देते शहीद हो गया। ये दुख भरी कहानी जब भी उनके माँ बाप याद करते हैं तो सिहर उठते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन ये देखिए स्वैगर स्टिक, चूंकि आकाश लेफ्टिनेंट थे, अधिकारी थे सेना में, तो ये स्वैगर स्टिक है उनकी जो वो हमेशा अपनी बगल में दबाए रखा करते थे। ये घड़ी है उनकी जो हमेशा उनको सही वक्त बताया करती थी कि आकाश अब वक्त आ गया है भारतीय सेना में जाने का और इस देश की सेवा करने का। एक ये तस्वीर, और इसके अलावा आकाश को जो है कई चीज़ों का शौक था, उनको पेंटिंग्स का भी यहाँ पे शौक था, अलग अलग तरीके की वो पेंटिंग्स स्केच बनाया करते थे। जब भी अकेले बैठा करते थे तो वो इस तरीके के स्केच यहाँ पे बनाया करते थे। कई स्केच ऐसे हैं जो उन्होंने अपने रूम में अपनी अलमारी में दबा के रख रखे थे, लेकिन जब बाद में सामान निकाला गया तो इस तरीके के जो स्केच हैं वो यहाँ पे सामने निकल कर आए। और मैं यहाँ पे जब आकाश की ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, तो उस वक्त उनकी जो माँ हैं वो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो उठी। देखिए आंटी, बहुत ज़्यादा वाकई में जो है दिल दहला देने वाला वो हादसा था, आप याद करते होंगे, आप अभी भी जो है भावुक हो गए। बहुत याद आती है, ऐसी बेटी भगवान सबको, बहुत अच्छाई थी उसमें। मेरठ के इस परिवार को बेटे के बिछड़ने का गम तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि बेटा अपने छोटे भाई के रूप में जन्म लेकर वापस लौट आया है। इन बूढ़े माँ बाप की अब एक ही तमन्ना है कि वो अपने छोटे माणिक की परवरिश अच्छे से कर सके। पिता कंवर पाल सिंह का कहना है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर सेना में बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, ताकि माणिक अपने बड़े भाई की तरह देश की सेवा कर सके। गर्व है उसके ऊपर कि वो देश की सेवा के लिए गया, और हम चाहेंगे कि हमारा बेटा जो है बड़ा होकर उससे बड़ा अफसर बने मिलिट्री में। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो देश की सेवा जहाँ तक हो पाएगा हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए ये एक कहानी लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी की है, जिनको उनके माँ बाप ने ड्यूटी के दौरान एक ऑपरेशन के दौरान उनको खो दिया। देश का एक बहुत ही जाबाज सिपाही और बहुत ही जाबाज ऑफिसर उन्होंने खो दिया, लेकिन आकाश के रूप में ही जब माणिक घर पर आया तो लगा कि हाँ आकाश वापस लौट आया। पसंद वैसी है, सब कुछ वैसा है, और देख रेख भी बिल्कुल उसी तरीके से है। जो उम्मीदें किसी ने नहीं की थी वो उम्मीदें यहाँ पूरी होती दिखाई दी, और अब माणिक के रूप में आकाश को दोबारा से छोटे से बड़ा होता देख, माँ बाप की आंखों का सपना एक बार फिर साकार होता देख, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो मांगे आकाश लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के माँ बाप ने मांगी हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। तो माणिक का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई गहरे राज छिपे हैं। एक अधूरी ख्वाहिश का राज, शहीद के पुनर्जन्म का राज, और सच होने वाले सपने का राज। शहीद आकाश चौधरी का छोटा भाई माणिक जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसमें अपने बड़े भाई की झलक साफ दिखने लगी है। अब रहस्य इस बात को लेकर और ज्यादा गहरा गया है कि माणिक में अपने भाई आकाश जैसी इतनी ज्यादा समानताएं आखिर कैसे हैं? क्या आकाश ने अपनी मां से किए अपने वायदे को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लिया है? क्या आकाश किसी अधूरे पड़े काम को अंजाम देने वापस आया है, या फिर एक मां की ममता और आंसू
उसे दोबारा इस दुनिया में खींच लाए। तो ये वो तमाम राज हैं जिन्हें जब शहीद आकाश के परिवार के साथ हर कोई जानना भी चाहता है। तो रहस्यम किस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप पुनर्जन्म की कहानियों पर कितना यकीन रखते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए, हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो रहस्य और रोमांच से भरी ऐसी सच्ची कहानियां हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे देखना ना भूलिए रहस्यम। और पहाड़ों की हर खबर से रहें अपडेट, जुड़े रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।